90 के दशक में आयशा झुलका काफी चर्चित एक्ट्रेस में से एक रही है। इन्होंने कुर्बान फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन इन्हें पहचान जो जीता वही सिकंदर फिल्म से मिली। आयशा का नाम मिथुन, अक्षय कुमार और नाना पाटेकर जैसे बड़े स्टार के साथ काफी चर्चा में रहा है। फिल्मों में अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद अचानक आयशा का करियर ढलान पर आने लगा था। वहीं नाना पाटेकर से ब्रेकअप के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी, यहां तक कि वो शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आयशा कहती है कि उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो शादी नहीं करती तो वो बहुत सारी चीजें कर पाती और हो सकता है कि वो जिस खराब रिलेशनशिप में थी वो उन्हें आगे देखने को ना मिले। लेकिन 2003 में उन्होंने बिजनेसमैन समीर वासी से शादी कर ली, लेकिन आयशा 50 साल की उम्र में भी शादी के 19 साल बाद भी आयशा माँ नहीं बनी, जिसका जवाब भी आयशा ने दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में उन्होंने काफी इमोशनली उतार चढ़ाव देखे हैं और आयशा ने शादी से पहले ही अपने पति को माँ ना बनने के फैसले के बारे में बता दिया था। हालांकि जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने गुजरात के 2 गाँव को गोद ले लिया था और वहाँ के 160 बच्चों को खाना और पढ़ाई का खर्चा आयशा और उनके पति उठा रहे हैं। वैसे आप आयशा के फैन हैं या नहीं